हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम खड़े एक बास्केटबॉल कोर्ट में और यहाँ पे करने वाले हैं एक साइंस का छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आपको मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे हाथ में एक बास्केटबॉल है, ठीक है। इसको अगर मैं किसी हाइट से, लेट से मैं अपनी हाइट से यहाँ से धीरे से ड्रॉप कर देता हूँ, तो आई कैन श्योरली से कि जिस हाइट से मैंने इसे ड्रॉप किया था ना, उससे कम हाइट तक ही ये रिबाउंड करेगा। सिमिलरली मैं किसी भी तरह की बॉल ले लूँ, कोई बॉल इलास्टिक कम होगी तो थोड़ा कम उछलेगी, थोड़ा एनर्जी का लॉस उसमें हो जाएगा कोलिजन में ग्राउंड के साथ। जैसे ये वाली मैंने टेनिस की बॉल ले ली, अब ये टेनिस की बॉल को छोड़ा तो ये काफ़ी कम हाइट तक उछली, दोनों लेकिन अपनी ओरिजिनल हाइट से कम उछलती हैं। बट वॉट हैपन्स इफ आई डू दिस, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा जैसे कि ये वाली लाइट बॉल जो हल्की बॉल है, ये काफ़ी ऊंची चली गई, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि टकराने के बाद अपनी ओरिजिनल हाइट से भी ऊपर चले जा रही है? क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस केस में नहीं लग रही है? आपको क्या लगता है बच्चों, कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें आप इस बारे में बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली क्या हुआ। और फिर इसके बाद हम एक वीडियो के साथ, प्रॉपर वीडियो के साथ आएंगे जिसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।